दिवाली पर पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए इस बार हमीरपुर जिला में पहली बार ग्रीन पटाखे बेचने के साथ जलाने के लिए तैयारी की है और बकायदा जिला प्रशासन के द्वारा सभी पटाखा विक्रेताओं और लोगों को भी निर्देश जारी किए हैं कि प्रदूषण फैलाने वाले पटाखे बेचने और चलाने वालों के खिलाफ कानून सख्त कार्रवाई करेगा। हमीरपुर में रात को 8 से 10 बजे तक ही दिवाली के पटाखे जलाने की अनुमति होगी। हमीरपुर ट्राला स्टैंड के पास पटाखे बेचने वालों ने अपने स्टॉल लगाए हैं, जहां पर सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ही ग्रीन पटाखे बेचे जा रहे हैं। ट्राला स्टैंड के पास पटाखे बेच रहे दुकानदारों ने बताया कि जिला प्रशासन के द्वारा पटाखे बेचने के लिए जगह दी है, जिसके लिए प्रशासन का धन्यवाद करते हैं। उन्होंने बताया कि प्रशासन के दिशा निर्देशों के अनुसार ही ग्रीन पटाखे बेच रहे हैं और लोगों से भी ग्रीन पटाखे लेने के लिए आग्रह कर रहे हैं। प्रशासन ने हमें ग्रीन पटाखा जलाने की इजाजत दी है, सो सभी से अनुरोध है कि कृपा करके ग्रीन पटाखे चलाएं और पॉल्यूशन से बचाएं। दिवाली के इस उपलक्ष्य पर हमारे सभी भाई बंधु और प्रशासन को बहुत बहुत हार्दिक बधाई। हमें प्रशासन द्वारा मिली इस छूट से हम अपना रोजगार भी शुरू करने में समर्थ हैं और प्रशासन द्वारा दिए गए दिशा निर्देश, जैसे कि ग्रीन पटाखा बेचना है तो हम ग्रीन पटाखा ही बेच रहे हैं और आम जनता को भी जागरूक कर रहे हैं कि कृपया करके ग्रीन पटाखे का उपयोग किया जाए ताकि प्रदूषण कम हो, इसमें हम सबका ही भला होगा। प्रशासन ने हमें अनुमति दी हुई है कि ग्रीन ही पटाखे लगाएं, उससे हमें रोजगार का अवसर भी मिल रहा है और हम लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं इस मामले में कि ग्रीन ही पटाखे जलाएं और ग्रीन ही पटाखे लगाएं। SDM हमीरपुर डॉक्टर चिरंजी लाल चौहान ने बताया कि पटाखे बेचने वालों के लिए ट्राला यूनियन के पास जगह दी है और सरकार की गाइडलाइन के अनुसार इस बार ग्रीन पटाखे ही दुकानदार बेच सकेंगे। उन्होंने बताया कि पटाखे जलाने की टाइमिंग रात 8 बजे से लेकर 10 बजे के बीच ही होगी। उन्होंने बताया कि अगर कोई प्रदूषण फैलाने वाले पटाखे बेचता हुआ पाया जाता है तो कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि हम सब लोगों को विदित है कि इस वर्ष कोविड महामारी भी फैली हुई है और अब हमारे फेस्टिवल सीजन भी अभी आगे हैं। पिछले साल हमने जो हमारे पटाखों की दुकानें थी वो हमारे MC टाउन हॉल में लग दी थी, परंतु इस बार हमने लोगों की सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए और कोविड की गाइडलाइन को प्रॉपरली फॉलो करने के लिए हमने ट्राला यूनियन के पास जगह का चयन किया है, जहाँ पर कि लोगों को दुकानें लगी और लोगों को हिदायत दी गई है जो भी वहाँ दुकानें लगेगी एज पर डायरेक्शन जो NGT की डायरेक्शन आई है उसी हिसाब से लगेगी। और जो पटाखा बेचने के लिए दिवाली के दिन तक वहाँ पर पटाखे बेच सकते हैं। NGT के ऑर्डर्स हैं वो उसमें क्लियर कट किया होगा कि जहाँ पर आपका ऑर्डर्स में जहाँ एयर क्वालिटी पुअर है वहाँ पर तो क्लियर कट बैन किया हुआ है और जहाँ पर इससे ऊपर है वहाँ पर ग्रीन पटाखे ही अलाउ किए जाएंगे, तो हमारी दिवाली इस साल बिल्कुल ग्रीन होगी। NGT के आदेश के अनुसार, जो भी सरकार के आदेश है उसके अनुसार हमारा 8 से 10 बजे के बीच आप पटाखे फोड़ सकते हैं। इस संदर्भ में पुलिस को डायरेक्शन दे दी गई है और समस्त SDM साहिबान को इसमें टीम गठित की गई है, अगर कोई इन ऑर्डर का वायलेशन करता है उसके अगेंस्ट कानूनी कार्रवाई की जाएगी।